अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम जॉब है दोस्तों। नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस करने वाली पाक नेवी की जॉब्स पर बताऊंगी, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी। इस वीडियो में आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है जब, और ताकि आपका कोई भी बीच में स्किप ना हो जाए। जी तो दोस्तों, आपको बताते चले वो कैंडिडेट्स मेल्स और फीमेल दोनों जो पाक नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें। तो वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया ताकि हमारी डेली की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। डायरेक्टली चलते हैं मेरी वेबसाइट जॉब बैच पर। आपने आ चले गूगल पर, आप यहाँ पर सर्च करें जॉब बैच डॉट इन्फो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो पहला लिंक है, आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। आपके सामने वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहली पोस्ट आपको नज़र आ रही है पाक नेवी की, यहाँ पर लिख करके आपने इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि सबसे पहले आपने जो है यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन को आपने रीड कर लेना है। और अब आप जो है यहाँ पर आप अगर आपने इसका ऐड डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करने से आप इसके ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है, इसको ओपन करने से आप इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं और ये दो एड्स हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो है मैं इसका ऐड ओपन करके इसकी इन्फॉर्मेशन क्लियरली आपसे शेयर करती हूँ इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर आपको मैं स्टार्ट में बताती चलूँ दोस्तों कि पाकिस्तान नेवी में जो है सिविलियन जॉब्स जो है अनाउंस हुई हैं। और इसमें जो है यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है आपको यहाँ पर ब्रांचेस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके जो है पहली यहाँ पर हाई फॉर्मेशन की है, और जो है यहाँ पर नीचे है लोअर फॉर्मेशन की है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, और उस पर नीचे जो है लोअर फॉर्मेशन PNCA की है, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट से बताती हूँ कि आपने जो है इसमें कैसे अप्लाई करना है, और इसमें जो है अप्लाई करने की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं स्टार्ट में बताती चलूँ, यहाँ पर जो पहली पोस्ट है इसमें जो है यहाँ पर हायर फॉर्मेशन, इसमें जो पहली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट की है, ग्रेड 15 की पोस्ट है। और इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, फोटोग्राफर की पोस्ट है, और इसमें जो है लाइब्रेरी सिस्टम की पोस्ट है, और UDC की पोस्ट है। और इसमें बताते चलें आपको ये जो पहली दो पोस्टें हैं इसमें जो है आपका यहाँ पर मेरिट आप देख सकते हैं पंजाब से, सिंध से, और गिलगित-बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आप जब आपके जो सर्विस आपके जो है स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपको जो है 6 वीक का आपको जो है कोर्स करना होगा MS ऑफिस का, और फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। उसमें मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ग्रेड 14 की पोस्ट है। इसमें पंजाब, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से। और इसमें आपकी जो है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम से कम जो है आपकी 1000 आपकी जो है कम से कम आपकी जो यहाँ पर आपको बताते चले इंटरव्यू आपका आपकी जो तालीम आपकी कम से कम जो है बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपका इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और आपको जो है यहाँ पर आपको मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फोटोग्राफर की है, और इसमें जो ग्रेड 13 की पोस्ट है, और इसमें जो है मैट्रिक आपका होना चाहिए। इसमें जस्ट मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इसमें ग्रेड 12 की पोस्ट है, इसमें जो आपके ग्रेजुएट हो आपको होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। सिर्फ इसमें जो है मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताते चले नेक्स्ट पोस्ट जो है UDC की है, और इसमें जो है आपको बताते चले यहाँ पर ये जो आपको 5 से लेकर नीचे 14 तक आपको यहाँ पर ये पोस्टें नज़र आ रही हैं। इसमें आपको बताते चले जो 5 और 6 आपकी पोस्ट है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दीजिए ना कि यहाँ पर जो है 6 to 7 to 14 जो आपकी पोस्टें हैं इसमें जो है आपने अप्लाई ऐसे करना है कि इसमें आपका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। इसमें आपने जो है बाय पोस्ट आपने जो है अपने जो है आपके एप्लीकेशन जो है आपने सेंड करनी है, वो भी आपको बताएंगे आपने किस तरह से सेंड करनी है। ये जो 5वीं पोस्ट है UDC, इसमें जो है आप ग्रेड 11 की पोस्ट है, और इसमें आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपके कंप्यूटर पर आपके होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपकी जब आपकी सर्विस स्टार्ट होगी तो आपकी NITP में आपका 3 हफ्ते का कोर्स होगा MS ऑफिस का, वो आपको लाजमी पास करना होगा। मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। LDC की पोस्ट है, ग्रेड 9 की पोस्ट है, इसमें आप लोग मैट्रिक आपका होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 30 words per minute होनी चाहिए, और इसमें अभी आपका जो है 3 हफ्ते का कोर्स होगा। मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी यहाँ पर 7 से लेकर 14 तक पोस्टें हैं इनको आपने रीड कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो है इसकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है, मैट्रिक, प्राइमरी, और जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा आपकी जो है प्राइमरी पास आपकी जो है अगर आपने प्राइमरी पास की हुई है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, और इन पोस्टों में आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं देनी है। इन पोस्टों में आप कैसे अप्लाइंग करेंगे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लास्ट में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर लोअर फॉर्मेशन भी है, और इसमें जो है यहाँ पर आपकी
उम्र की हर बात की जाए तो यहाँ पर हर पोस्ट के लिहाज से आपको यहाँ पर असामी के लिहाज से आपको यहाँ पर उम्र बताई गई है। जैसे आप असामी नंबर 15 की दे सकते हैं तो 25 से लेकर 40 है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको हर पोस्ट के लिहाज से आपको यहाँ पर जो है एज बताई गई है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं। यहाँ पर फोरमैन की है, इसमें आपका जो है बीटेक आपके पास इलेक्ट्रिकल आपके पास होना चाहिए, और इसमें जस्ट मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो यहाँ पर आपको बताते चलें, यहाँ पर जो पोस्टें हैं 15, 16, 17, 18, और इसमें जो है यहाँ पर 19, और यहाँ पर 20, 21, और ये 22 और 23 और 24। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर 24 तक आपकी पोस्टें आ रही हैं। इसमें जस्ट जो है मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटेक आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा जिसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरमैन है, और जो है लीडिंग बीपीएस है, और इसके अलावा असिस्टेंट लीडिंग है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मैकेनिकल मुख्तलिफ जो है डिफरेंट ट्रेड्स यहाँ पर जिसमें जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं आपने यहाँ से इसको रीड कर लेना है, उसमें अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है स्किल आ जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्किल ग्रेड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ये पोस्टें हैं, तो आपने इनको रीड कर लेना है। और इसमें भी आपको बताते चले कि यहाँ पर आपका DAE आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा जिसे कहते हैं, 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक कोर्स आपको जो है वहाँ पर करना होगा, और इसमें जो है मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको जो पोस्टें यहाँ से आपने रीड कर लेनी है। और अब आपको बताते चलें यहाँ पर जो है नेक्स्ट है लोअर फॉर्मेशन है, और इसमें भी आपको बताते चलें कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। यहाँ पर टीचर की पोस्ट है, ग्रेड 15 की पोस्ट है, और इसके अलावा जो है इसकी जो है BSc आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग में आपका जो है 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए, मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अरबी BA BPS की पोस्ट है, ग्रेड 14 की पोस्ट है, और इसमें जो है आपका पूरे पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर आपका अरबी ज़बान में आपको जो है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तर्जुमा जो है उसका अरबी में आपको जो है उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जस्ट खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, स्पोर्ट्समैन की है, जूनियर की है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है, और उसके अलावा जो है असिस्टेंट ऑपरेटर की है, और यहाँ पर आप ड्राफ्ट्समैन की है, सिविलियन वर्कशॉप की है, और काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। फोटोग्राफ यहाँ पर जो है नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, तो आपने जो है जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है आपको किस कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपको डोमिसाइल भी यहाँ पर उसका बताया गया है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको मैट्रिक, FAFSA, इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर सारी एजुकेशन बताई गई है, मेल्स और फीमेल दोनों आपको यहाँ पर बताए गए हैं। आपने यहाँ से रीड कर लेना है, और फिर इसके मुताबिक आपने जो है इसमें अप्लाई कर लेना है। तो अब आपको बताते चलें कि आपने जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि आपने जब इसमें अप्लाई करना है तो आपने उस असामी के लिए अप्लाई करना है जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स हों। जैसे आप देख सकते हैं अगर आप पंजाब से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको जो है फोटोग्राफर की आप पोस्ट है, तो यहाँ पर मेरिट आप देख सकते हैं पंजाब से इसकी 1 सीट है। तो अगर आप 1 सीट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है आपका चांस नहीं होगा आपकी जॉब का, तो आपने जो है उस पोस्ट में अप्लाई करना है जिसमें जो है सीट्स ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर असामियाँ जो है ज़्यादा होंगी आपने उसमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो है आपके चांस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के। तो यहाँ पर आपको बताते चले हैं कि इसमें जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया, और इसमें जो है बाकी कंडीशन इसमें क्या हैं, और इसमें जो है अप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले आपको जो है मैं आपको पहली जो आपको मैंने पोस्ट बताई थी उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि आपने जो है असामी नंबर यहाँ 8 से लेकर 14 तक जो आपको मैंने पोस्टें बताई थी नेवल हेडक्वार्टर्स की, जो आपको मैंने बताई थी नेवल हेडक्वार्टर्स की असामी नंबर 8 से लेकर 14 तक, उसमें आपने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, आपने जो है उसमें बाई पोस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने सेंड करना है 11 अक्टूबर से जो है पहले तक। तो अब आपको बताते हैं कि आपने बाई हैंड अपनी एप्लीकेशन भी लिखनी है, और उसके साथ आपने जो है अपनी जितनी आपकी जो है आपके सर्टिफिकेट्स हैं आपकी एजुकेशन की है, और इसके अलावा जो आपने शनाती कार्ड उसके साथ लगा कर, आपने जो है डोमिसाइल अपना सर्टिफिकेट लगा कर, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने उसके साथ लगा कर आपने जो है सेंड कर देने हैं इस एड्रेस पर। आपको जो है यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपने जो है अपनी जिस दरख्वास्त में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो है आपने वहाँ पर अपना असामी का नाम ज़रूर लिखना है। आपने जिस पोस्ट के लिए आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर रहे हैं वो आपने जो उसके ऊपर लाजमी लिखना होगा, और यहाँ पर आपको दरख्वास्त भेजने का पता भी आपको दिया गया है, सेंटर कंप्यूटर कारपेंटर जूनियर कंप्यूटर्स नाइप कासिद, यहाँ पर आपने जो सेंड कर देना है। तो अब आपको बताते चलें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पर आपको जो वेबसाइट दी गई यहाँ से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे,
और फिर इसके बाद जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे पाक नेवी में। उनके बाद जो है आपको यहाँ पर पाकिस्तान के मशहूर सेंटर्स हैं जिसमें आपको यहाँ पर आप जाकर टेस्ट देंगे, तो यहाँ पर आपने अपना टेस्ट सेंटर देख लेना और फिर उसके मुताबिक आपने जहाँ पर टेस्ट दिया वहाँ पर जाकर टेस्ट देना है। और उसमें रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी ऑनलाइन। तो अभी आपको बता देते हैं कि आपने इसमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हमारी वेबसाइट पर लिंक दिया गया है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आपने जो है सिंपली आपने क्लिक कर लेना है तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको जितनी भी मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं उसके लिहाज से आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब ओपन होगा तो आपको वो दिखाएंगे कि इसमें जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आपको जो है यहाँ पर रोल नंबर स्लिप भी आपको यहाँ पर दी गई है। इस रोल नंबर स्लिप पर जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपने जो है यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे आप देख सकते हैं स्टेप वन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, स्टेप वन आपने फॉलो करना है। तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन टू जो स्टेप्स टू है वो आप फॉलो करेंगे। तो इस तरह से जो है आपको बताते चलें कि यहाँ पर आप ब्रांच देख सकते हैं, इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आपने लाजमी देखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर LDC की पोस्ट है, UDC की पोस्ट है, यहाँ पर LDC के साथ लिखा हुआ है NHQ और ये यहाँ पर फॉरमैन की पोस्ट के साथ लिखा हुआ है APNCA। तो आपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपने वो दिमाग में जो है लाजमी आपने रखना है कि आप जो है PNC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप NHQ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों में से है इस चीज़ को आपने जो है माइंड में रख के आपने इसमें अप्लाई करना है और किसी एक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और स्टेटस को आपने जो है यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी जो है सिविलियन कैंडिडेट्स पर ये जो है टिक हुआ है। यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और नीचे आकर आपने जो है यहाँ पर सबमिट करवा देना है। आपने इसमें जो है वही अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है जो एग्जैक्ट हो, क्लियर हो, नहीं तो आपका अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्रूव नहीं होगा। आपने जो है इसको यहाँ पर सबमिट करने से पहले आपने चेक कर लेना है, आप जब एक दफ़ा एंट्री कर लेंगे तो आपका जो है दोबारा वो चेंज नहीं होगा। तो जब आप ये सबमिट फॉर्म कर देंगे तो आपने जो है यहाँ पर बैक आना है और यहाँ पर आप जो है अपनी जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो है स्टेप टू आपने फॉलो करना है, यहाँ पर अपना CNIC देना है, सबमिट करना है, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन आपकी स्लिप है वो ओपन हो जाएगी। ये तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेल्स और फीमेल दोनों के लिए। जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। और इसमें जो है आपको मैंने लास्ट ईयर बता रही है 11 अक्टूबर से पहले पहले तक आपने इसमें जो है रजिस्ट्रेशन अपनी जो है आपने ऑनलाइन करवा लेनी है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर